हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शक्कर पारे की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शक्कर पारे बनाना, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, परफेक्ट नाम से बनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। फिर मैंने आधा किलो मैदा लिया है, यानी कि 4 कप के करीब मैदा लिया है, और इसमें देसी घी डाल रही हूँ मैं 1 कप के करीब, जिससे कि शक्कर पारे जो हमारे बहुत ही खस्ता और टेस्टी बने। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी डालकर। इसमें और कुछ भी नहीं डाल रही हूं मैं, क्योंकि इसमें हम शुगर की जो सिरप बनाएंगे उसकी कोटिंग करेंगे। घी को मैदे में बहुत अच्छे से मिला लेना है ताकि जो आटा हमारा है बाइंड होने लग जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिला लेना है। इस तरीके से करने से जो शक्कर पारे हमारे बहुत खस्ता बनेंगे। चार कप के करीब इसमें मैदा लिया है मैंने, तो इसमें 1/4 जो है मैदा के हिसाब से 1/4 हम इसमें घी या तेल का यूज करेंगे। तो 4 कप मैदा में 1 कप घी डाला है मैंने, तभी जो है ये शक्कर पारे बहुत खस्ता बनेंगे। और 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से मिलाते रहेंगे बिना पानी के। ये देखिए, आटा हमारा मैंने घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे को, और ये आटा बाइंड होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये परफेक्ट तैयार हो चुका है आटा। अब इसको हम पानी के साथ गूंथते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको तैयार करेंगे, क्योंकि हमें आटा जो है सख्त लगाना है, गीला आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब बिल्कुल सख्त हाथों से इसको तैयार करेंगे। इसको बाइंड करने की कोशिश करेंगे। जितना बाइंड हो जाता है उसको हम अलग रख देंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे जो थोड़ा सूखा हुआ आटा है, और फिर गूंदेंगे इसे। फिर इसको मिला के बाइंड करेंगे। ये देखिए, आटा हमारा बाइंड हो गया है पूरा अच्छी तरीके से। और इस तरह से इसे मसल के हमें क्लीन करना है थोड़ा। ताकि जो ये फटे फटे दिख रहे हैं आटे, इस तरीके से ना दिखे। आटा बहुत ही सख्त है, तो मेहनत लग रही है थोड़ी। ये देखिए, और इसे हम ढक कर रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। शक्कर पारे के लिए जो हमने आटा रखा था वो सेट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। तो इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से हम आटे को मसलते हुए क्लीन कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। आटे को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसके बड़े बड़े हम टुकड़े तोड़ लेते हैं। यहां पर मैंने 6 टुकड़े तोड़ लिए हैं, और इन सबको हम रख देते हैं ढक के, और इसको हम अच्छे से इस तरह से क्लीन करेंगे, और एक लोई तैयार करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, लोई हमारी तैयार हो गई। अब इसको बेलते हैं, तो रोटी से थोड़ा मोटा बेलूंगी मैं इसे,
बेल लेते हैं इसे। अब तो उठा उठा के बेलेंगे। यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है और थोड़ा मोटा रखा है मैंने रोटी से, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पिज्जा कटर का यूज कर रही हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। तो अब जैसे भी पीसेस चाहें वैसे काट सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। यहां पर मैं छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट रही हूं इस तरीके के। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी कट जाता है लेकिन पिज्जा कटर से बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो ये देखिए ये पीसेस हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरीके से इसे निकाल लेंगे सबको और एक प्लेट में रख लेंगे निकाल के। ये देखिए मैंने इसी तरह प्लेट में रख लिया है और बाकियों को भी हम पहले सबसे काट के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। तो हर बार आटे को क्लीन करना जरूरी है, उसके बाद हम लोई तैयार करेंगे। ये तैयार हो गई, इसको अब बेल लेते हैं। आप अगर थोड़ा मोटा रखना चाहे तो मोटा भी रख सकते हैं। ये देखिए बेल लिया है मैंने और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कटिंग कर ली है और इस तरीके से हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये और प्लेट में उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारे काट के रख लिए हैं, अब इनको डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और इसे अच्छी तरह से गरम होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें जो हमने शक्करपारे काट के रखे हैं वो डाल देंगे। अभी शक्करपारे जो है चिपके हुए हैं लेकिन जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ये अपने आप से अलग हो जाएंगे। और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे और लगातार चलाते हुए रहेंगे इसे, नहीं तो एक साइड से ज्यादा डार्क हो जाएगा तो कलर। फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और जो शक्करपारे डालेंगे तेल में तो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है इन पे। देखिए अच्छा गोल्डन कलर इन पे आ गया है तो अभी इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल यही कलर आना चाहिए, उसके बाद ही हमें निकालना है। तो सबको निकाल लेते हैं। बाकियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे और सारे शक्करपारे इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे।
लीजिए फ्रेंड्स, हमारे शक्कर पारे तैयार हो चुके हैं। हमने डीप फ्राई कर लिया है, अब इनकी चाशनी बनाएंगे। तो तब तक इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसकी चाशनी बनाते हैं। और ये बहुत ही खस्ता बने हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने, खस्ता बने हैं ये। शक्कर पारे जो हमने बनाए थे पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, अब इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब चीनी ली है, और इसमें मैं जितनी चीनी ली है उसका 1/3 भाग इसमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ। चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी बनानी है, इसलिए जो मैंने चीनी ली है, चीनी 2 कप और पानी उसका 1/3 कप लिया है मैंने, जिससे कि हमारी चाशनी बहुत गाढ़ी बनेगी। तो गैस के फ्लेम को स्लो करके इसको लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। वैसे चाशनी कई तरीके से तैयार की जाती है, कई क्वांटिटी में, कभी चीनी बराबर डाली जाती है, कभी पानी ज्यादा चीनी कम, इस तरह से डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें गाढ़ा बनाना है, इसलिए जितनी चीनी है उसका 1/3 हमें पानी डालना है, तभी हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। और लगातार चलाते हुए इसे बना लेंगे चाशनी इसका, चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और मेल्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट और हम चीनी को पकाएंगे। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी अब चीनी नहीं बची है। तो इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे इसी तरह से चलाते हुए, और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चाशनी को बॉयल होते हुए, तो मैं अब गैस बंद कर दे रही हूँ। और इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, ताकि जो शक्कर पारे उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1/4 चम्मच, और मिला लेंगे इसे अच्छे से। और इसको ठंडा होने देंगे, जब ये हल्का गर्म रह जाए तब तक इसे हम ठंडा करेंगे। तो मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये काफी गाढ़ी हो गई है चाशनी। तो इसमें जो हमने ये पारे बना के रखे हुए हैं इसमें डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे चाशनी के साथ। और मिक्स करने के बाद इसे निकाल देंगे एक दूसरे बर्तन में। तो देखिए मिक्स हो गया, ये अच्छे से कोट हो गई है चाशनी पारों के ऊपर, और इसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो यहां मैंने दूसरा बर्तन लिया है, इसमें इस तरह से निकालते जाएंगे। और मैंने इस तरह की ये ली है छलनी की, एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी वो निकल जाएगी। इस तरीके से हम चाशनी से निकालते जाएंगे पारों को। तो सभी को इसी तरह से हम कर लेंगे और डाल लेंगे। और डाल लिया है मैंने इसमें शक्कर पारे, और इसको मिक्स कर लेंगे। और सेम वही प्रोसेस से इसमें भी कोटिंग कर लेंगे चाशनी की। देखिए अच्छी कोटिंग हो गई है, अब निकाल लेते हैं इसे। इसमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इसमें तुरंत मिला के इसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर रुक जाएंगे ताकि इसमें से चाशनी अच्छे से छन के निकल जाए, और इस बाउल में निकालते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी बची है तो सारा डाल लेंगे इसमें। मिला लेंगे अच्छे से, देखिए सारा मिक्स कर लिया है मैंने। ये देखिए सारे मैंने चाशनी से निकाल लिए हैं, और इसको एक चौड़े से प्लेट में इस तरीके के मैंने यहाँ ट्रे लिया है, इसमें फैला देंगे। यहाँ पर मैंने जो ट्रे लिया है उसमें फैला लेंगे इसे अच्छे से। तो आधा मैं इसमें डाल रही हूँ और आधा मैं दूसरे प्लेट में डालूंगी, ताकि जो इसमें मैंने चीनी की कोटिंग की है वो अच्छे से फैला के सुखा सके। तो इसे थोड़ा सूखने तक इसका वेट कर लेंगे, और मैं बाकी को दूसरे प्लेट में डाल लेती हूँ। जब सूख जाएंगे तो इसके ऊपर अच्छे से चीनी की कोटिंग आज दिखाई देने लगेगी हमें।
यहाँ पर देखिए मैंने फैला लिया है, इसी तरह से फैला लेंगे इसे। यहाँ मैंने एक प्लेट में भी फैला लिया इसे। अगर थोड़ी सी चाशनी बच गई है तो आप किसी यूज में उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी बच गई है, किसी यूज में ला सकते हैं इसे। खीर या सेवई कुछ भी बनाए तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में लगा लिया और यहाँ पर यहाँ एक मैंने ट्रे में रख लिया है। तो इनके ऊपर मैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ मैंने नारियल लिया है, डाल दे रहे हैं ताकि शक्कर पारे में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाए। और अभी ये गीला है तो चिपक जाएगा आसानी से नारियल हमारे शक्कर पारों पे। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, नारियल का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूं। तो यहां पर मैंने नारियल डाल दिया है, अब इसका सूखने का वेट कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे शक्कर पारे बन के तैयार हो गए हैं और इसके ऊपर जो हमने शुगर की कोटिंग की है वो अब सूख चुकी है, तो अब बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। अगर आप इससे ज्यादा शुगर की कोटिंग चाहते हैं तो मैंने 2 कप चीनी ली थी, आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, 1/2 कप 1 कप करके बढ़ा सकते हैं। तो इसमें और ज्यादा मोटी लेयर आ जाएगी शुगर की। तो ये वैसे ये परफेक्ट है बने हैं ये शक्कर पारे। तो इस रेसिपी को आप जरूर होली पर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।